बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें जो फार्मूलाज चाहिए वो आज मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसको याद कर लेना है ताकि ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब आप यूज़ करो तो आप लोगों को ऑलरेडी आते हो। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चरर्स जो हैं उनके सामने आ जाएँ प्ले लिस्ट में भी, और वो ईज़िली अपने स्टेप बाई स्टेप तमाम लेक्चर्स अटेंड कर सकें। तो फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास, मैं इन जनरल फॉर्म आपको डेरिवेटिव के ये फार्मूलाज बताऊंगी। एक्सपोनेंशियल की पावर अगर एफ ऑफ एक्स है तो इसकी डेरिवेशन आएगी हमारे पास सेम यही फंक्शन, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डेरिवेशन लेती हूँ एक्सपोनेंशियल, और पावर आ जाए इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन सेम एज इट, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव जो है हमारे पास वो यहाँ क्या आएगा 2x, और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है। इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही हमारे पास आंसर है इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली। ओके, अब नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला की तरफ चलते हैं। वो फार्मूला है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसकी डेरिवेशन आती है हमारे पास वन ओवर एफ ऑफ एक्स एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। इसकी भी एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेट्स सपोज इसके आगे हमारे पास इक्वेशन है 2x-3। तो देखिए इसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास वन ओवर 2x-3, और 2x-3 का फर्दर डेरिवेटिव लें तो 2, और -3 क्योंकि कांस्टेंट है अकेला उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर ये अकेला 2 आएगा हमारा फर्दर डेरिवेटिव। इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें और ये हमारे पास हमारे फाइनल डेरिवेटिव का आंसर है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। इसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपर एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपर, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपर एक्स हाइपरबोलिक वही फंक्शंस हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे। साइन हाइपर एक्स और फर्दर है हमारे पास फार्मूला, इसी तरह ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो याद करने में। ये आ गया हमारे पास आंसर इसका सीकेंट हाइपर स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पे 2 जो है वो जनरल केस में आएगा। टेन हाइपर एक्स। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉसिकेंट हाइपर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट हाइपर एक्स कॉसिकेंट हाइपर एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉट हाइपर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट हाइपर स्क्वायर एक्स, एंड द लास्ट वन इज सीकेंट हाइपर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट हाइपर एक्स टेन एक्स टेन हाइपर एक्स। और ये हमारे पास फार्मूलाज हैं, इन्हें आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। अब इसी से मिलते जुलते जो हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक के फार्मूलाज भी हैं वो भी हम साथ ही अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले साइन हाइपर इनवर्स, साइन हाइपर इनवर्स एक्स, और इसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट
नेक्स्ट कॉज, कॉज हाइपर इनवर्स, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। एंड डेरिवेटिव ऑफ टेन हाइपर इनवर्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। जो प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उसमें टेन इनवर्स का फार्मूला हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर आता है, लेकिन यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके जी, टेन के बाद हम लिखते हैं कॉट, कॉट में हमारे पास सेम डी फार्मूला है वन माइनस एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड, सेकेंड हाइपर इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साथ में नेगेटिव साइन भी। कॉसिकेंट हाइपर इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और जिस तरह प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज में यहाँ साथ नेगेटिव साइन था और मॉड के साथ हमने उसे पॉजिटिव नेगेटिव साइन में एडजस्ट भी किया था, सेम उसी केस में हम यहाँ भी करेंगे। और साइन सॉरी सीकेंट हाइपर इनवर्स के लिए इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर रहे कि इसका इंटरवल जो है वो वेरी मिनिमम होता है, फ्रॉम ज़ीरो लेस देन एक्स लेस देन वन। इस मिनिमम इंटरवल के लिए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी एक्स कंसीडर ही पॉजिटिव होगा इस केस में। सीकेंट के लिए तमाम वैल्यूज जो हैं एक्स की वो पॉजिटिव कंसीडर होंगी और इसके लिए ये डेरिवेटिव होगा, लेकिन जो कॉसिकेंट है इसके लिए तमाम इंटरवल के लिए हम कैलकुलेट कर रहेंगे, तो यहाँ पर मॉड अप्लाई होगा ताकि पॉजिटिव नेगेटिव ऑल वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर डिस्कस किया जाए। ठीक हो गया, सीकेंट के लिए जस्ट हम उसी इंटरवल में डिस्कस करते हैं वैल्यूज़ को, और कॉसिकेंट के लिए हमें ये तमाम जो है इंटरवल इसको डिस्कस करना है। ओके, एक फार्मूला और है हमारा, उसे भी देख लें ताकि आपके पास तमाम कलेक्शन हो जाए इम्पोर्टेंट फार्मूलाज की। ये आ गया हमारे पास फार्मूला ए, ए हैज़ पावर एफ ऑफ एक्स, देन इट्स डेरिवेटिव इज ए एफ ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो ये इसका डेरिवेटिव है। ये फार्मूलाज आपने याद करनी है और अभी मुझे इनको नीट फॉर्म में अच्छी सी मार्कर, अच्छी सी इंक वाला पेन आपने यूज़ करना है जो ब्राइट फॉर्म में हो, और उसे अच्छी सी पीडीएफ में चेंज करके मुझे अभी आपने सेंड करना है इन तमाम फार्मूलाज़ को। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए यही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ हैं और आपके असाइनमेंट भी यही है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।